आई और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पूरे भारतवर्ष से अपनी मांगों को लेकर आए हैं और हमारे बीच में कुछ महिला हैं जो मध्य प्रदेश से चलकर दिल्ली के संसद मार्ग पर यहाँ धरना प्रदर्शन करने आई हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम आशा अमोदे है, मैं MP से आई हूँ और बहुत तकलीफें उठाकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, बड़ी उम्मीद लेकर पहुँचे हैं, बहुत उम्मीद लेकर पहुँचे हैं कि हमें कुछ यहाँ से मिलेगा, कुछ लेके जाएंगे यहाँ। लेके जाएंगे, आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेके आए हम लोग? शासकीय, पहली तो हमारी मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि हम बहनें 1975 से काम कर रही है लेकिन हमको वो दर्जा नहीं अभी तक मिला है। मान सम्मान की नौकरी है लेकिन हमको वो अभी तक नहीं मिला है। क्या हमें उस मान से अभी तक पैसे भी नहीं मिल रहे हैं? आपको शासकीय क्यों किया जाए, आप ऐसा क्या काम करती हो आपको सरकारी घोषित किया जाए? सर, हम है ना, तो 0 से लेकर मतलब गर्भ में अगर बच्चा आता है तो उसका हम मतलब मृत्यु तक की जानकारी रखते हैं और हर कार्य में हम आगे हैं। लाडो अभियान, बालिका समृद्धि और स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, हर कार्य मतलब कोई सा भी विभाग हो उसमें हम हमारा सहयोग देते हैं, कभी मना नहीं करते। लेकिन हमारा सहयोग कौन करेगा, हम किस के पास जाए, किन से उम्मीद करें, कौन सरकार हमारी सुनेगा? तो हम यहाँ पर बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि हमें यहाँ से कुछ मिले, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। आप मध्य प्रदेश से चलकर आए हैं, जो वहाँ शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय बोला था कि अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे बच्चों का मैं मामा हूँ, मुझे जिताओगे हम सारी समस्याएं पूरी करेंगे। तो क्या इस तरीके की समस्याएं आपने अपने राज्य सरकार में भी दी? जी हाँ दी, लेकिन वहाँ से हमको कोई मतलब आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हमको यहाँ तक आना पड़ा। अगर वहाँ से हमें मिल जाता तो यहाँ तक नहीं हम आते। इन्होंने बोला है कि हमें अगर वहाँ से हमारा जो आश्वासन दिया होता तो हम यहाँ दिल्ली में नहीं आते। तो आपकी जो मांगें हैं उन पर अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है? सर, विचार उन्होंने ये किया है, हमको बोला कि आप लोगों के मानदेय भी बढ़ गया है लेकिन हमको अभी तक मानदेय ना मिला, ना उसका कोई परमिट मिल रहा है कि क्या करना है, क्या देना है, कुछ नहीं। हम लोगों से काम लिया जाया करता है, हम लोग मजदूर संघ जैसे काम करते रहते हैं और हमें ना तो कुछ छुट्टियाँ मिलती है। हम सोचते हैं कि हमको 12 महीने की कम से कम 24 छुट्टी मिले लेकिन 12 छुट्टी दे, त्योहारों की छुट्टी मिलती नहीं हम लोगों को, और हमको रेगुलर किया जाए और हमारी उम्र सरकारी घोषित भी करो, हमारी उम्र भी पेंशन 62 साल के बाद हमको नौकरी से हटाया जाए, कम से कम 62 साल तो हमको करना चाहिए, 60 साल के बाद हटाया दिया जा रहा है, ना पूरी हमको तनख्वाह मिलती है, समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती है हमको।